सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कई बार हम जब बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और इमरजेंसी लगाने के बाद जो है उसके विरोधी जो थे उन सबको जेल में डाल दिया था। तकरीबन 18 महीने 2 साल की वो इमरजेंसी पीरियड रहा और उसमें कहते हैं कि इंदिरा गांधी और उसके लोगों ने देश में अपने विरोधियों पर ढेरों जुल्म किए। लेकिन अगर वो इमरजेंसी क्यों हुई और किस केस की वजह से हुई, अगर ये आपको जानना है तो आज बात करते हैं उसके बारे में। बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी ने सोचा, क्योंकि उस समय उसकी सरकार मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं थी और 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही उसने 5वें लोकसभा की इलेक्शन करवा दी। 5वें लोकसभा इलेक्शन में वो रायबरेली से जो है लोकसभा का नॉमिनेशन उन्होंने किया और दूसरी तरफ से राजनारायण नाम के एक व्यक्ति उनके अपोजिशन में खड़े थे। वहां जब इलेक्शन खत्म हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इंदिरा गांधी उस इलेक्शन में जीत गई। उस इलेक्शन को राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के तहत चैलेंज किया। उसका मानना यह था कि इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन में इलेक्शन माल प्रैक्टिस की है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और लोगों के वोट खरीदे हैं, बराबरी की है, तो इसके चलते उसका जो जीता जाना इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस सुनना शुरू किया और कुल मिलाकर के 4 वर्ष के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उस केस में अपना फैसला दिया। उस समय जगमोहन सिन्हा नाम के एक जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, उन्होंने 10 जून 1975 को जो है जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन में जो माल प्रैक्टिसेस की है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसके चलते इनका चुना जाना जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड है, तो उनका जो इलेक्शन था वो उन्होंने सेट असाइड कर दिया। उन्होंने ब्राइबरी वाली बात को नहीं माना। तो उस समय उस जज ने इंदिरा गांधी के वकील के कहने पर उसको 20 दिन का टाइम दे दिया कि 20 दिन में का स्टे, ताकि 20 दिन में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील आई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी, तो अकेले वैकेशन जज में वी आर कृष्णायर बेंच में बैठे थे। वी आर कृष्णायर ने उसमें इंटरिम स्टे कह सकते हैं, उसको इंटरिम रिलीफ इंदिरा गांधी को दे दिया कि सब्जेक्ट टू डिपेंडेंसी इंदिरा गांधी को ऐसा नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और उसको ये था कि आप पार्लियामेंट में जब जाओगे तो पार्लियामेंट में आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते और वोट नहीं डाल सकते, आप पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं, बाकी जो जब भी रेगुलर बेंच होगी वो डिसाइड करेगी, उस हिसाब से देखा जाएगा। इशू इस केस में ये भी था कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होती है तो केवल ये नहीं था कि ये इलेक्शन चला जाएगा और वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगी, इसमें दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये भी होना था कि अगले 6 वर्ष तक वो कोई भी ऐसी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, यानी अगले 6 वर्ष तक वो राजनीति या राजनीतिक पोस्ट नहीं ले सकती, ये सबसे बड़ा इशू था। इसके चलते उन्होंने अगले दिन ही जो है 26 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद जो है और भी ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन इशू किए और उन्होंने कोशिश ये भी की कि जब तक को अगर केस ये आता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर के 10 अगस्त 1975 को ये केस सुना जाना था रेगुलर बेंच के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, 5 जजों की बेंच, उसने केस सुनना था। उससे जस्ट पहले जैसे 7-8-9 अगस्त 1975 को 3 दिन के अंदर एक जो है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये ले आते हैं कांग्रेस पार्टी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये जो भी बदलाव होते हैं उसके साथ एक बदलाव जो है इलेक्शन जो के जो प्रोविजन है उसमें होता है, आर्टिकल 329 और आर्टिकल 329 कैपिटल ए में।
उसमें इंदिरा गांधी अपने को बचाने के लिए एक प्रोविजन डालती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को किसी भी फॉर्म में, यानी जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उसके लिए एक अलग से फॉर्म बनाई जाएगी, वो पार्लियामेंट देखेगी कब बनाएगी, कैसे बनाएगी। यानी कि उन्होंने अपने जो इलेक्शन था उसके चैलेंज को हियरिंग होने से पहले ही अलग कर दिया। उसके बाद जो है, जब कोर्ट बैठी तो शुरू में तो फिर, क्योंकि वो चैलेंज एक तरफ से इन्फेक्चुअस हो गया था, तो उसमें कोर्ट ने फिर कहा कि जो राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, कि आप फिर से इसमें जो अमेंड करना है, जो इश्यू ऐड करने हैं, वो लेकर के आइए। उसके बाद फिर वो सुना गया और नवंबर में उस केस का डिसीजन आया। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको तो सेट असाइड कर दिया, यानी कि उसका इलेक्शन तो वैलिड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो आर्टिकल 329 कैपिटल ए जो 39वें संविधान संशोधन में बदलाव किया था उसको, यानी कि जो संशोधन 39 था उसको पार्शली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसी फॉर्म, जैसे आप कर रहे हो कि भाई इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है और उसकी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, अगर वो किसी कोर्ट में ही नहीं जा सकती तो वो जुडिशियल रिव्यू को आप बार कर रहे हो, और ऐसा आप कर नहीं सकते। ऐसा करके आप जो है डेमोक्रेसी में, जो कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इसेंशियल फीचर है, उसका एक तरह से वॉयलेशन है, और ऐसा आप कर नहीं सकते। इसके चलते जो आर्टिकल 329 कैपिटल ए है उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को उन्होंने वैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो ये वो केस था जिसके चलते, जिस डर में इंदिरा गांधी ने कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, उसके चलते उसने इमरजेंसी लगा दी थी। वो फिर आगे कंटिन्यू चली 75 की बजाय, वो 77 तक चली, जब तक कि उसको ऐसा ना लग गया कि दोबारा से जीत के आ सकती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। उस समय 2 साल का उनको जो है एक किस्म से सरकार से बाहर रहना पड़ा 77 से 79 तक। तो ये था इमरजेंसी केस।